वेलकम बैक टू आवर चैनल, दिस इज रिंकी सिंह एंड टुडे वी आर टेकिंग द इंटरेस्टिंग टॉपिक। द टॉपिक इज अबाउट द पोजीशंस। आज अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में आज हम सभी प्रकार की पोजीशंस के बारे में जानेंगे कि कितने प्रकार की पोजीशन होती है, पोजीशन का यूज़ जो है या पोजीशन का इस्तेमाल किन किन अवस्थाओं में किया जाता है, आज की क्लास में हम जानेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पहली पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन है सुपाइन पोजीशन। अब सुपाइन पोजीशन क्या होती है, इस मरीज को इस पोजीशन में कब रखा जाता है और इस पोजीशन के द्वारा कौन कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं या कौन कौन सी अवस्थाओं में इन पोजीशन का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बारे में हम जानेंगे। इस अवस्था में मरीज को सीधा लेटाया जाता है और मुँह के आगे की तरफ रखा जाता है, इसी को सुपाइन पोजीशन कहते हैं। जिस अवस्था में मरीज सीधा लेटता है, जैसे कि आपको इमेज बेस में दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो पेशेंट है वो बिल्कुल सीधा लेटा है, तो ये सीधा लेटा जाता है पोजीशन और मुंह आगे की तरफ रहता है। तो इस पोजीशन को किस किस अवस्थाओं में दिया जाता है, मरीज को जब आराम करवाना होता है तभी इस पोजीशन को दिया जाता है, फिजिकल एग्जामिनेशन देना होता है तब भी इस पोजीशन को दिया जाता है, और वाइटल साइंस जो होते हैं उनको जाँचने के लिए भी इस पोजीशन का इस्तेमाल किया जाता है। लैप्रोटॉमी में भी इसी सुपाइन पोजीशन को ही दिया जाता है। स्पाइनल प्रॉब्लम में और बैक सर्जरी में, यानी कि पीठ की कोई सर्जरी हो या स्पाइनल की कोई समस्या होती है, तब भी इसी पोजीशन में मरीज को लेटाया जाता है। दूसरा है हमारा प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन, इस अवस्था में मरीज को उल्टा छाती के बल लेटाया जाता है, मतलब उसी के अपोजिट आप समझ सकते हैं, वो सीधा लेटे थे, दैट वाज द सुपाइन पोजीशन एंड इट इज़ द प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन में मरीज को उल्टा लेटाया जाता है, जैसा कि आप इमेज बेस में देख पा रहे होंगे। इसमें मरीज को किन किन अवस्थाओं में रखा जाता है, प्रोवाइड रेस्ट, जब मरीज को आराम देना हो तब इस पोजीशन में रखा जाता है, बैक इंजरी सर्जरी में रखा जाता है, यानी कि पीठ की अगर चोट की कोई सर्जरी होती है तब भी इस पोजीशन का इस्तेमाल किया जाता है, हिप जॉइंट एग्जामिनेशन, यानी कि हिप जॉइंट एग्जामिनेशन का अध्ययन करना होता है तब भी इस पोजीशन का इस्तेमाल किया जाता है। अब है फाउलर पोजीशन। फाउलर पोजीशन क्या होती है, फाउलर पोजीशन जैसे कि इमेज में आप देख पा रहे हैं, जब किसी डिग्री, जैसे कि आप यहाँ पर 45 डिग्री के एंगल में ये मरीज लेटा है, 45-90 इस तरीके की आपको दिख रहा होगा, 30 एंगल 60 एंगल, जब ऐसे मरीज को लेटाया जाता है इसी को फॉलर पोजीशन कहा जाता है। तो इस पोजीशन में मरीज को कब लेटाया जाता है, सांस लेने में जब समस्या होती है, या कमर या जांग में आराम की आवश्यकता होती है, या पेट खाली यानी कि एब्डोमिनल ड्रेनेज करने की ड्रेनेज करना होता है, एब्डोमिनल कैविटी ड्रेनेज होता है, तब इस पोजीशन में लेटाया जाता है, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है 30 एंगल में 60 एंगल में, इस तरीके के एंगल्स में फाउलर पोजीशन इसे कहा जाता है। अब है हमारा फोर्थ लिथोटॉमी पोजीशन। लिथोटॉमी पोजीशन क्या होती है, इस अवस्था में मरीज को लेटा दिया जाता है और उसके पैरों को 90 डिग्री के ऊपर किया जाता है, इसी को लिथोटॉमी पोजीशन कहा जाता है। आपको पैर का एंगल दिख रहा होगा, पैर का एंगल मरीज का 90 डिग्री पे जा रहा है, तो ये 90 डिग्री का जब पैर का एंगल बना दिया जाता है इसी को कहा जाता है लिथोटॉमी पोजीशन। इसमें कोई भी गायनेकोलॉजी का एग्जामिनेशन करना होता है, गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए इस पोजीशन का इस्तेमाल किया जाता है, और नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी इस पोजीशन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आप आया नी चेस्ट पोजीशन। नी चेस्ट पोजीशन का एग्जाम, नी चेस्ट पोजीशन आपको ऐसे इमेज में दिख रहा होगा, नी नीचे की तरफ होती है, इसी को नी चेस्ट पोजीशन कहा जाता है। इसमें रेक्टल एग्जामिनेशन, वजाइनल एग्जामिनेशन, सिग्मोडेस्कोपी में इनका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आपका है ट्रेंडलम पोजीशन। इसमें मरीज का तब हाइपरटेंशन में, पल्विक एग्जामिनेशन में इसमें इस्तेमाल किया जाता है। रोज पोजीशन, रोज पोजीशन का इस्तेमाल गैस्ट्रो इसोफेगस रिलीज डिसीजेस में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कार्डिक पोजीशन। कार्डिक पोजीशन जैसे कि इमेज में आपको नज़र आ रहा होगा, सांस लेने में जब परेशानियाँ होती है तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसी को कार्डिक पोजीशन कहते हैं। कार्डिक पोजीशन में जैसे कि आप स्कूल में आपने देखा होगा बच्चे से हेड डाउन करके लेटते हैं, बैठते हैं, वैसे ही हेड डाउन कराया जाता है, सांस लेने में जब भी परेशानी होती तो इस पोजीशन का इस्तेमाल किया जाता है। अब है आपका वल्सर पोजीशन। वल्सर पोजीशन का इस्तेमाल आपका फोर्सेप डिलीवरी में, जब फोर्सेप डिलीवरी होती है उस टाइम पे
इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर आपका सिटिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन सबसे कंफर्टेबल पोजीशन होती है। सर और गले का जब अध्ययन करना होता है, नेक या हेड एग्जामिनेशन करना होता है, तब भी इस पोजीशन का इस्तेमाल किया जाता है, और वाइटल साइन में भी इस पोजीशन का इस्तेमाल किया जाता है। जब पल्स रेट नापनी होती है या आपका थर्मामीटर से बीमारी नापनी होती है, तब भी इस पोजीशन का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपका डोर्सल पोजीशन, डोर्सल लिक्यूमेंट पोजीशन का इस्तेमाल वजाइना का एग्जामिनेशन करने में, रेक्टम एग्जामिनेशन करने में, कैथराइजेशन लगाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आपको इमेज में नज़र आ रहा होगा। नेक्स्ट आपका है सिम्स पोजीशन, सिम्स पोजीशन एनीमा लगाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे है आपका जैक नाइफ पोजीशन, जैक नाइफ पोजीशन का इस्तेमाल अनीमा लगाने में किया जाता है, रेक्टल सर्जरी में किया जाता है। इसी के साथ आपकी वीडियो समाप्त होती है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।